दीदी अभी तक नहीं आई। आज उनकी सिस्टर की एंगेजमेंट है और वो ऐसी होती है क्या सगी बहन? सिर्फ अपने ससुराल वालों की फिक्र है, अभी छोटी बहन की नहीं। और हो भी कैसी, अब बड़ी जेठानी जो बन गई है। एक बार मैं भी वहां पहुंच जाऊं ना, फिर दिखाऊंगी उन्हें। मॉम देख रही हैं आप, आपकी फेवरेट बेटी अपनी छोटी बहन का कितना ख्याल रख रही है। ये पिन लगाओ। इतनी कैसे बदल सकती है दीदी, मैं क्या कुछ नहीं लगती उनकी। फोक देना अब ना, मैं दीदी को दीदी बुलाऊंगी। तो फिर क्या बुलाओगी? जेठानी जी। संजू की बच्ची अभी तक हमारे घर में आई नहीं और अभी से अपनी जेठानी से बदला लेने की प्लानिंग कर रही। सिर्फ तुमसे सुहाना, हमसे नहीं है ना संजना? हाँ रजनी दीदी, दशा दीदी बताइए, सिर्फ है नहीं, यहाँ पहले नहीं आना चाहिए था। सो तो है सुहाना, तुम्हें सबसे पहले आकर संजना को तैयार करना चाहिए था। दिशा दीदी आप भी? हाँ तो क्या गलत बोल रही है दिशा दीदी? संजू तुझे पता नहीं घर में कितने काम थे। अच्छा? हाँ हाँ संजना, सुहाना को घर पर कितने काम थे। माँ की साड़ी इस्त्री करनी थी, ईशान के लिए कपड़े निकालने थे, और फिर मीठी को भी तो तैयार करना था। नाना जी को दवाइयाँ देनी थी। हाँ। दिन में मेहमानों के लिए खाना बनाना था। आप लोग मुझे टीज कर रहे? नहीं, आप कितना काम करती है ना ससुराल में, हम सब जानते हैं। सिर्फ वही काम नहीं होते, और भी काम होते हैं घर में। अच्छा जैसे? छोड़ जाने दे। अरे छोड़ क्यों, हाँ छोड़ क्यों, प्लीज मुझे भी बताओ क्या कर क्या रही थी तुम। तेरे साथ साथ ना मेरे प्यारे देवर दीपक की भी एंगेजमेंट हो रही है समझी, मुझे उसे भी देखना था वो कैसा लग रहा है, सुपरवाइज करना था उसे। तू नहीं समझेगी, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा कि अपने ससुराल वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है। मतलब मैं फैमिली हुई नहीं? आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि अपनी छोटी बहन को भी तैयार होते हुए देखूं? मेरी भी तो एंगेजमेंट है ना। या संजू, संजू बट व्हाट दी, आप ना अब बिल्कुल बदल गए हैं बस। अच्छा बाबा अब तुम दोनों झगड़ा मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। काम मैं तुझे रेडी कर। नहीं रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं, अब तैयार हो गई हूँ मैं। ओहो संजना बैठो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो सचमुच। दीपक बहुत लकी है कि तुम उसकी जिंदगी में आई। नो नो, अरे संजू बहुत लकी है कि उसे दीपक जैसा हस्बैंड मिला। दीदी यू सो मीन। ओहो अब तुम लोग फिर से झगड़ा कर रहे हो। देखो सच में दिशा, जब ये हमारे घर आ जाएगी तब ये देवरानी जेठानी सारा दिन इसी तरह लड़ती रहेंगी क्या? नो तुम लोग दोनों बहुत लकी हो। हैप्पी? वेरी हैप्पी, यू ट्राइड दी, आई एम वेरी लकी। सिर्फ इसलिए नहीं कि दीपक मुझे मिला है, बल्कि इतनी प्यारी फैमिली मुझे मिली है। एंड टॉप ऑफ इट, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। वेरी हैप्पी फॉर यू संजू। रानी कहाँ हो भाई तुम? अपनी देवरानी को देखने गई थी। भाभी कैसी है संजना? फिर बोला तू ना, बस चुपचाप बैठ के शर्माता रहे, ओके? कुछ बोल मत सबके सामने, तू बस अपना मुंह बंद रख समझा। दीपक वो तुम्हारी दुल्हन है ना, वो ठीक वो इंदर अपनी भाषा में क्या कहते हैं, वो चकास लग रही है। अबे तू फिर मुस्कुराया, अबे शर्माना है तुझे, तू दूल्हा है दूल्हा। दादा बुआ माँ, संजना बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ कहाँ है वो, मुझे देखना है। ओहो देखो भाई राधा को कितनी उतावली हो रही है संजना को देखने के लिए। अरे क्यों ना हो, सास जो बन रही है हमारी राधा। भाभी आप भी चलिए ना,
माँ चली ना आप भी। अरे बेटा मैं तो जरा ना 10 मिनट अपनी कमर सीधी कर लूं, ये आलोक की गाड़ी में बैठ के तो हमारे दम ही निकल गए हैं। यार माँ फिर से शुरू हो गई यार। क्या गलत क्या कह रही है? मैं नहीं लगाने वाला धक्का। देखो एक बात साफ कर लो, वापसी में ना ईशान की गाड़ी में जाए। बस मुंह करा देता हूँ आप लोग। अरे बस 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 आप लोग झगड़ा करते रहिए, मैं तो जा रही हूँ संजना को देख। दीदी क्या देख रही हैं आप? राधा को देख रही हूं, कितनी खुश लग रही है ना। हाँ भाभी, भगवान करे इसकी सारी खुशियां हमेशा इसके साथ रहे। वाजपेयी साहब से मिलना जरूरी है, लेकिन बंदा है कहाँ यार? आप, अरे वाजपेयी साहब कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ भाई। क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आज से रिश्ता हो जाएगा। आप हमारे संधि हो भाई। संधि? आप कश्यप के साथ आए? कमल किशोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैलजा जी और सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हें बेटा, मंगनी की रस्म शुरू करनी है ना, मैं संजना को बुला लूं हॉल में। मैं बस आया। वाजपेयी साहब ऐसे सबसे टकराते क्या रहते हैं? एक जगह पर बैठ जाइए ना प्लीज। सॉरी रुको। तुम यहां क्या कर रहे हो? आप इन्हें जानती हैं राधा बुआ? रजनी तुम जाओ, मैं आती हूँ। जाओ रजनी। कमाल है राधा, आज के दिन तुमने मुझे पहचान लिया। वरना ऐसे मौकों पर तो लोग मुंह फेर लेते हैं अपनों से। किसी ने सच कह रहा था कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। खबरदार जो अपने आप को मेरा पति कहा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से। मैं अपने बेटे की खुशियों पर तुम्हारा मनोज साया तक नहीं पड़ने देना चाहती। जाओ यहाँ से। इतनी कठोर मत बनो राधा। दीपक मेरा भी कुछ है, बेटा है मेरा। दीपक तुम्हारा बेटा नहीं है, उसकी रगों में तुम्हारा नहीं उस आदमी का खून दौड़ रहा है जिसके हाथों तुमने मेरी इज्जत बेची थी। चले जाओ यहां से वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। डरती हो राधा कहीं मेरी वजह से तुम्हारा राज न खुल जाए। वैसे क्या बात है राधा, कमल किशोर वाजपेयी करोड़पति आदमी है, मैंने सब पता लगा लिया। से सुनो, अगर मैंने तुम्हें आज आसपास भी देख लिया तो
तुम्हारी बूटी बूटी नोच लूंगी यहां से। अरे राधा जी, आप यहां क्यों खड़ी हैं? वहां सब शुरू होने वाला है। संजना बीबी को सब लेने गए, आइए। राधा रानी, दीपक की रगों में मेरा खून न सही, खाते पे तो नाम मेरा ही है। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए, ओए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।